उनके परिवार वाले वहां पर मिसिंग हैं, लापता हैं, उनकी खोज की जाए। और ये दृश्य मेघना हम बताना चाहेंगे आपको और हमारे दर्शकों को, ये दृश्य प्रधानमंत्री के समीक्षा बैठक करते हुए, रिव्यू मीटिंग लेते हुए प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के गृहमंत्री वहां पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारी गण वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये दृश्य सीधे दृश्य हैं प्रधानमंत्री की रिव्यू मीटिंग के, जो घटनास्थल और अस्पताल के दौरे के बाद, स्थितियों को समझने के बाद, लोगों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री अब समीक्षा बैठक भी वहां पर कर रहे हैं। और बेहद अहम ये समीक्षा बैठक आगे की कार्रवाई के लिए, क्या कुछ वहां पर किस तरह से और तेज़ी लाई जानी चाहिए, चाहे जांच कार्य हो, चाहे एजेंसियों के समन्वय की बात हो, राहत एजेंसियों के, चाहे जो पीड़ित हैं उनकी मदद की बात हो, उसको लेकर बेहद अहम ये समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक लेते हुए और समझते हुए तमाम स्थितियों को। मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं गुजरात के, और इसके साथ ही गृहमंत्री भी मौजूद हैं, तमाम अधिकारीगण वहां पर मौजूद हैं। जी रमा, देखिए ये जो एक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर हम देखें तो कल रात हुई थी और आज अभी सभी जगह दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक ले रहे हैं, जिसमें वो एक तरीके से पूरा इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ होगा, कैसे कैसे हुआ। एक रिपोर्ट अगर हो सकता है जो जिला प्रशासन है उसे रिपोर्ट तैयार की होगी कि अभी तक क्या रेस्क्यू हुआ, किस तरीके से हुआ, इस बारे में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, उसके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद हैं, गृहमंत्री हर्ष संघवी मौजूद हैं, विनोद चावड़ा मौजूद हैं, कच्छ के सांसद हैं, उसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी गुजरात के पंकज कुमार मौजूद हैं और अन्य कई जो राज्य सरकार से संबंध रखते हुए और उसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखते हुए कई लोग इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए रमा, ये जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन था, कई ऐसे स्टेक होल्डर्स इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, इस पूरे जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन में कई ऐसे स्टेक होल्डर्स शामिल थे। और अगर देखें तो एनडीआरएफ कंट्रोल रूम पूरी तरीके से सभी के टच में था, गुजरात के अथॉरिटीज के या स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के जो गुजरात में है, और रिलीफ कमिश्नर लगातार इस सारे मामले को यहाँ से देख रहे थे। लेकिन अगर हम देखें तो जितने कम समय में जितने ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करके, गोताखोरों की बात हो, एनडीआरएफ टीम्स की बात हो, एसडीआरएफ की बात हो, तो ये इन सभी को मोबिलाइज किया गया जल्द से जल्द, और उसके बाद ही ये पूरा, इसी के कारण ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चला। और काफी हद तक अगर देखें तो रेस्क्यू जो है उसी रात हो गया था। तो ये एक अगर हम देखें तो आपदा के समय जितना जल्दी अगर रिस्पॉन्स मिलता है उतनी ज्यादा जाने बचाने की संभावना रहती है, और यही संभावना पैदा हुई क्योंकि इतना जल्दी रिस्पॉन्स मिला और इतना जल्दी जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्डर वहां पर जल्द से जल्द पहुंचे और रेस्क्यू की शुरुआत की गई। बिल्कुल मेघना, जिस तरह से आप बता रही हैं राहत और बचाव कार्य वहां पर तुरंत ही शुरू किया गया, और हालांकि दर्दनाक हादसा है, काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की वहां पर कोशिश, ज़्यादा से ज़्यादा मदद की कोशिश, और ज़्यादा से ज़्यादा जो चैलेंजेस थे उन पर काबू पाने के लिए जो विभिन्न राहत और बचाव दल थे उनका समन्वय, आपदा प्रबंधन की हम बात करते हैं देश में और राज्य में, उसका भी एक बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हमारे संवाददाता नीरज सिंह वहाँ पर बता रहे हैं कि अभी भी कई तरह की चुनौतियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि लापता लोग हैं उनका पता लगाना, या वहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करना, और जो वहाँ पर वस्तु स्थिति है उसको बहाल करना, इसमें अभी समय लगेगा, और लगातार जो वहाँ पर पीड़ित हैं उनके नुकसान का आकलन करना, उनको हर संभव मदद देना, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये रिव्यू मीटिंग कितनी ज़रूरी हो जाती है, कितनी आवश्यक हो जाती है। और एक बहुत बड़ी बात ये भी कि इस तरह की हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, जवाबदेही तय करने की दिशा में।
मेघना से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री के विभिन्न अधिकारियों के साथ, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, राहत और बचाव कार्य और घटना की समीक्षा और पीड़ितों से बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं घटनास्थल पर पहले गए और वहाँ पर जो पुल था उस पुल के बारे में बताएं। 143 साल पुराना पुल था, 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल था और वहाँ पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ पर गए, वहाँ पर आकलन किया स्थिति का, वहाँ पर अधिकारियों से बातचीत की, वहाँ पर वस्तुस्थिति को समझने की कोशिश की। राहत और बचाव कार्य किस तरह से चल रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री ने इसका जायज़ा लिया। केवल जायज़ा ही नहीं लिया, जो राहत और बचाव दल हैं उनके कर्मियों से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की, उनसे जाना कि किस तरह से ये राहत और बचाव कार्य चल रहा है, किस तरह से इसमें अभी और तेज़ी लाई जा सकती है, किस तरह से वहाँ पर चुनौतियाँ हैं, किस तरह से उन चुनौतियों से निपटा जा रहा है, किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से और सामंजस्य की भी ज़रूरत है और कितनी मदद की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने इन सभी बातों को समझा। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने स्वयं घटनास्थल पर जाकर, जहां पर ये बड़ी दर्दनाक दुर्घटना हुई, वहां पर जायज़ा लिया। पीड़ितों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की, जो सौभाग्यवश बच गए उन लोगों से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोरबी अस्पताल गए, वहां पर पीड़ितों का हालचाल जाना। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों से बातचीत की, उनके सर पर आश्वासन और संवेदना का हाथ रखा, उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रधानमंत्री उनके साथ हैं, प्रधानमंत्री के रूप में पूरा देश उनके साथ है, तमाम जो उनकी मदद है वो की जाएगी, जिस भी तरह की ज़रूरत होगी उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके बीच में मौजूद हैं, स्वयं समीक्षा कर रहे हैं, स्थिति पर नज़र रख रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। और लगातार कल भी गांधीनगर में एक समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश दिए थे और इस हादसे के शुरुआत से ही प्रधानमंत्री लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार प्रधानमंत्री दिशा निर्देश दे रहे हैं, स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं, जान रहे हैं और किस तरह से बेहतर ढंग से इस चुनौती से निपटा जा सकता है इसका भी आकलन कर रहे हैं और इस दिशा में कार्रवाई तेज़ हो रही है। राहत और बचाव दल वहाँ पर लगे हुए हैं, जो घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज हो रहा है और बेहतर